यहाँ पर है 66 और आपके पास कितना है 50. अब इसमें देखे तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या ये गिनती हम लोग जानते हैं, इसलिए 60 बाद में आता है 66 और ये 50 पहले आ जाता है। तो जो पहले आया वो छोटी संख्या और बाद में आया बड़ी संख्या, पहले आया 50 ये छोटी संख्या, 66 ये हो गया बड़ी संख्या। चलिए आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे और गतिविधि के द्वारा हम लोग जानेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी छोटी तो दो आई है यहाँ पर, दो आई में हाँ, और इससे आप लोगों को दो दो को उठाना है, उठाइए तो दो को हाँ, चलिए उठा लिए ठीक है। आप संख्या दिखाइए, आपका संख्या 23 ये कितना है 23। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 23 ठीक है। आपकी संख्या कितनी है 45 ये लिखिए। अब देखिए दोनों में, अब दोनों में एक 23 है और ये 45 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 45। जब गिनती गिनते हैं तो जो अंतिम में आवे बाद में आवे तो देखते हैं 43 पहले आता है, 23 पहले आता है, फिर 24 25 26 इस तरह से पढ़ते हैं तो आता है 45 आता है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जैसे बोलिए 45 बहुत अच्छा। चलिए रखिए अगले बच्चे आइए, आसियर से इससे कोई उठाइए, आप दो कोई दे उठाइए और उसको सजाइए, हाँ ठीक है उठाइए। चलिए आप देखिए आगे इनके पास कितना है 19, कितना है 19 और इनके पास कितना है बताइए 37 ये 19 और ये 37। अब इसमें बड़ी संख्याएं कौन सी है 37 और छोटी संख्या कौन सी है 19। तो छोटी संख्या की जगह पर यहाँ लिखेंगे 19 और बड़ी संख्या में कितना आया 37। चलिए आप लोग भी चलिए हाँ चलिए दो आइए हाँ बहुत अच्छा। चलिए उठाइए दो कोई भी, ये यही नहीं घर से उठाइए, कहीं से भी उठाना है उठाइए दो और दो को लगाइए उसको सजाइए अच्छा से। आप लोगों को बातें नहीं करनी है, सीखना है आप लोगों को हाँ। चलिए इनके पास आ गया 48 और इनके पास आया 57। आप बताइए दोनों में बड़ कौन है 57 और यहाँ 48। गिनती जब गिनते हैं तो पहले ए संख्या आती है उसके बाद ए, तो 48 छोटी संख्या 48 छोटी संख्या और आपके पास आया 57। चलिए जाइए चलिए कोई हाँ चलिए बातें नहीं करना है हाँ बताइए तो कोई दो बताइए और लगाइए उसको लगाइए हाँ। चलिए देखिए इधर इनके पास है, आवाजें आ रही है क्या बोल रही से बोलिए जोर से 62 और आपके पास 58। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 62 और छोटी संख्या 58। तो 58 यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या में 58 और
62 बड़ी संख्याएं हो गई है कि नहीं। चलिए आप लोग भी देखिए, लेफ्ट आइए। हाँ पकड़िए, दो कोई की दो उठाइए, हाथ सजाइए इसको। चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये है 38 और इधर देखिए 36 और यहाँ है 08। 08 क्या होता है? 8 होता है। बाएं तरफ 0 रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दाहिने तरफ अगर रहे तो उसका वैल्यू होता है, इसलिए 08 का 8 हो गया। अब 8 और 36 में बड़ी संख्या कौन सी है? 36 और छोटी संख्या 8। तो 8 की जगह पर यहाँ पर छोटी संख्या में 8 लिखेंगे और बड़ी संख्या में लिखेंगे 36 लिखेंगे। चलिए अच्छा, तो और रही आप तो हाँ, चलिए उठाइए कोई। यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पर है 66 और आपके पास कितना है? 50। अब इसमें देखें तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्योंकि गिनती हम लोग जानते हैं, इसलिए 60 बाद में आता है, 66 और ये 50 पहले आ जाता है। तो जो पहले आया वो तो छोटी संख्या, अब बाद में आया बड़ी संख्या, पहले आया 50 ये छोटी संख्या, 66 ये हो गया बड़ी संख्या। चलिए अब बैठ जाइए, अब बैठिए सभी। अब इसमें हम लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 और यहाँ 66 ए इसमें दोनों देख रहे हैं, तो ए जो है बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या। 23 और 45 में ए बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इसमें बड़ी संख्या कौन हुआ? और इसमें बड़ी संख्या, और इसमें बड़ी संख्या, और इसमें बड़ी संख्या नहीं, इधर बड़ी संख्या में आ गया और इधर छोटी संख्या है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या एक प्लेस कार्ड के द्वारा हम लोग सीखे कि नहीं। इसी तरह से 3 अंकों को भी मिला देंगे, उससे भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग सीखेंगे। तो ये अच्छा लगा, तालियां होनी चाहिए।